स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सो बिफोर इट बेटा, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो इट बिकम्स एसेंशियल फॉर यू कि इससे पहले के जो आपके दो लेक्चर्स हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, जस्ट गो एंड वॉच देम सो दैट जो आज का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो। सो आज का जो टॉपिक है बेसिकली एक मैथमेटिकल टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। और आपको पता है जो स्प्लिटिंग हमने करी थी, वी हैव डन द स्प्लिटिंग ऑफ टू टाइप्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो ऑक्टाहेड्रल में हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा नॉट इज इक्वल टू -0.4 nT2g। n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2g ऑर्बिटल्स। दिस nT2g मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल्स। प्लस 0.6 NEg मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल्स। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। वैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, सो ड्यू टू लेस स्पेस हम थोड़ा इसको यहाँ से हटाते हैं। जब हम डील करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, देन इट इज -0.6 NE ऑर्बिटल्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई ऑर्बिटल्स। प्लस 0.4 NT2 मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल्स। अब दो चीजों का आपको ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। डेल्टा इज यू नो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये बेटा दो कैटेगरीज में होती है, डेल्टा नॉट और डेल्टा टी। डेल्टा टी ऑल ऑफ यू नो इट इज फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और अगर बात करें डेल्टा ओ, इट इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो एक तो डेल्टा, सेकेंडली एक हम पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट करेंगे। पेयरिंग एनर्जी सिंबल इज पी। नाउ पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। आप अगर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाते हो, ठीक है, तो पेयर बनाने में जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे, जो एनर्जी खर्च होगी रिक्वायर्ड, दैट इज सेड टू बी द पेयरिंग एनर्जी। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? दो डी ऑर्बिटल्स आफ्टर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्या है ये देखिए। केस वन, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। पॉइंट नंबर वन, अगर मैं आपसे कहता हूँ, इफ आई विल से दैट पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा है, चलिए इसका मतलब ये होगा, ये आपका लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, ये आपका हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल, T2g ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल, ये जो इनके बीच में डेल्टा है इसकी वैल्यू लेस है, और पेयरिंग की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। मीन्स आई विल से पेयरिंग इज मोर देन डेल्टा। सो बेटा, जो नेचर का एक रूल है कि हम हमेशा लेस एनर्जी वाले प्रोसेस से जाते हैं, तो पेयरिंग में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, सो देयर इज नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से रखना है, पेयरिंग नहीं होगी। आप इलेक्ट्रॉन कैसे डालोगे? 1, 2, 3, उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो गैप है ये कम है, इलेक्ट्रॉन फटाफट ऊपर जाएगा, देन 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये ऑर्डर फॉलो करना है। फिर से देखिए एक बार, गलती नहीं होगी, मैं ऑर्डर आपको चेक करा देता हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन आपने डाला, ठीक है, ये बन गया आपका D1, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बेटा? T2g1 Eg0। अब एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? D2 की T2g2 Eg0। अब एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, नाउ इट बिकम्स D3। अब D3 में क्या है? तीनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, T2g3 Eg0। अब बात करते हैं D4 की। अब आपको पता है पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, सो D4 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? T2g3 Eg1। सिमिलरली D5, द कॉन्फ़िगरेशन इज T2g3 Eg2। इसी तरह से हम D6 में भी कर सकते हैं, D7, D6 में देखिए क्या होगा,
सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो टी टू जी फोर ई जी टू। इसके बाद डी सेवन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सेवन के डी सेवन में क्या हो गया टी टू जी फाइव ई जी टू। अब डी एट आइए, ये डी एट हो गया, तो टी टू जी सिक्स ई जी टू। अब अगर डी नाइन की बात की जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, फिल इन को भी करना पड़ेगा, ये आपका डी नाइन हो गया, टी टू जी सेवन ई जी सॉरी टी टू जी सिक्स ई जी थ्री, और डी टेन दिस वन टी टू जी सिक्स ई जी फोर। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ केसेस में तो इस पेयरिंग को और इसका कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है, इस पेयरिंग और इसका। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मेरे पास शुरू में एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली यहाँ जाएगा कोई कंसेप्ट नहीं, टू में यहाँ, थ्री में यहाँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली हम डी फोर से लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि डी फोर में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है, यहाँ भी पेयर अप हो सकता है, बट हमारी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में। तो ये मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया कि किसी भी आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल आयन की अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आती हैं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है किससे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होंगी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं किया, देर इज़ नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन हमेशा ज़्यादा रहेगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और पेयरिंग नहीं करा, क्लियर, तो जो लीगेंड है दैट विल बी वीक फील्ड लीगेंड। तो ये जो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ ना, इसको अपने माइंड में फिट करो, क्लियर। अब एक केस तो मैंने समझा दिया आपको कि वैन पेयरिंग इज ग्रेटर देन दिस, नाउ द सेकेंड केस और देखते हैं बेटा, उसके बाद हम पर्टिकुलर अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे वर्कआउट करेंगे। तो जो सेकेंड केस है वो है, इफ पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या है ये देखिए, ये आपके टी टू जी ऑर्बिटल्स, ये आपके ई जी ऑर्बिटल्स, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा है, इट इज़ क्वाइट लार्ज, और पेयरिंग एनर्जी है वो लेस है, इट इज़ लेस इट इज़ मोर। सो इट इज़ द रूल ऑफ द नेचर कि हम हमेशा वहाँ से जाते हैं जहाँ पे एनर्जी कम लगे, तो एनर्जी कम कहाँ पे लग रही है, पेयरिंग की। सो यहाँ पर क्या होगा बेटा, पेयरिंग प्रोसीड्स होने से क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे, स्पिन कम होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हम उसको कहेंगे, और क्योंकि पेयरिंग हुई है देन दीज आर सेट टू बी द, यू कैन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स। अब इसमें भी देखते हैं कैसे काम करना है। चलो वैसे D1, D2, D3 तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे डालोगे आप। अब इसको ना ऐसे लिखते हैं हम, यहां हम लिखते हैं टी टू जी, यहां ई जी और यहां डी, D1, D2, D3, D4, D5 ऐसे चलते हैं, सो दैट हमें थोड़ा इजी रहे। चलिए अब जब आप पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इसमें डालोगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा ठीक है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसमें 2 इसमें 0, थर्ड यहाँ पे आएगा तो 3 इसमें 0 इसमें। अब क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग में एनर्जी कम लग रही है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा वो नीचे आएगा, तो टी यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ 0, फिर नेक्स्ट में डी 5 में दिस वन, यहाँ 5 यहाँ 0। सिमिलरली हम टी 2 जी ई जी डी 6 डी 7 डी 8 कहीं तक भी कर लो कोई इशू नहीं, मेथड तो वही सेम रहेगा। अब डी 6 में ये यहाँ पे आ गया, सो व्हाट विल आई राइट, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 वहाँ। डी 7 में इसके बाद तो यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि फिल हो चुका है, सो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो सिमिलरली आपको फिल करना है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जैसे D1 की टी 2G1 EG0, D5 की टी 2G1 EG0। सो दिस इज द वे टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन।
ध्यान रखना पेयरिंग कब करनी है और कब नहीं करनी, इसको यहाँ पे अप्लाई करते हुए हम पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर हम अपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट। बेसिक्स काफ़ी समझा दिया मैंने आपको, अब एक्चुअल काम करते हैं, कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें फर्स्ट केस अगर हम लेके चलें डी वन का केस हम लेके चलते हैं, ठीक है। सो डी वन के केस में आपको अच्छी तरह से पता है, यहाँ पर सिंपली अगर हम लिखें, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बार बार उसमें इलेक्ट्रॉन भी फिल कर लेंगे। दिस इज टी टू जी ई जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो बेटा इसमें आएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी डी वन की, टी टू जी वन और ई जी ज़ीरो। नाउ डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट सी आउट फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा बस यहाँ पे। फॉर्मूला इज माइनस 0.4 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी टू जी में एक इलेक्ट्रॉन है, ई जी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो बेशक लिखो या ना लिखो, या 0.6 इंटू जीरो कर दो। सो दिस इज माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, डी थ्री का केस करते हैं। इफ आई से डी थ्री का केस करना है, तो डी थ्री में 1, 2, 3 जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा, टी टू जी थ्री और ई जी जीरो। फॉर्मूला डेल्टा नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.4 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी टू जी थ्री प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई जी जो जीरो है, डेल्टा नॉट। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट इज माइनस 1.2 डेल्टा नॉट। सो ये हमने कैलकुलेट करी डी थ्री सिस्टम में, चलिए अब डी फोर में कैलकुलेट करते हैं। आप जब D4 में जाओगे तो हमारे पास दो केसेस आ जाएंगे। जो केस नंबर वन आएगा D4 में, दैट इज P इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट, और सेकंड आएगा बेटा P इज लेस देन डेल्टा नॉट। अब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है यहां पे, तो व्हाट विल आई राइट, देयर इज नो पेयरिंग। यहां पे पेयरिंग एनर्जी कम है, सो यहां पे क्या होगी बेटा, पेयरिंग, ठीक है। सो चेक करते हैं, टी टू जी ऑर्बिटल्स ई जी ऑर्बिटल यहां पर भी लिखते हैं, टी टू जी एंड ई जी। अब यहां पर पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी है तो पेयरिंग तो नहीं करनी, ठीक है। दूसरा, ये जो डेल्टा नॉट है, ये डेल्टा नॉट आपका कम है, यहां पे क्या है, डेल्टा नॉट ज्यादा है। तो डेल्टा नॉट कम है तो आप इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, ऊपर लेके जाओगे। तो डी फोर क्या होगा, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे पेयरिंग की एनर्जी कम है तो पेयर करेंगे, दूसरा डेल्टा नॉट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। सो 1, 2, 3 और 4। तो कॉन्फ़िगरेशन इज टी टू जी थ्री ई जी वन यहाँ पे, टी टू जी फोर ई जी ज़ीरो यहाँ पे। अब दोनों की एनर्जी निकालते हैं डेल्टा नॉट। हेयर द डेल्टा नॉट इज माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बेटा टी टू जी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 प्लस 0.6 इंटू ई जी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। सो 4 3 0.4 है तो माइनस 1.2 प्लस 0.6 इट इज माइनस 0.6 डेल्टा नॉट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब इसमें देखिए यहाँ पुट करते हैं, दिस केस नाउ डेल्टा नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.4 इंटू यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, टी टू जी में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 इंटू जीरो, सो इट इज माइनस 1.6 डेल्टा नॉट, माइनस 1.6 डेल्टा नॉट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये हमने डी फोर एक्सप्लेन किया, तो इसी तरह से आप किसी का भी कर सकते हो। ये ध्यान रखना किस सर्कमस्टांसिस में क्या आपको गिवन है। तो चलिए नाउ कुछ हम कैलकुलेशंस करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में।
टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला आपको गिवन है। सो टेट्राहेड्रल में अगर हम बात करें बेटा D1 की, नाउ वी विल डिस्कस इन टेट्राहेड्रल। अगर D1 की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है टेट्राहेड्रल में, 2 ऑर्बिटल्स बिलो 3 ऑन द अपर साइड, क्लियर। अब जो ऑर्बिटल्स नीचे हैं, देखो नॉर्मली मैं आपको बता दूं ऑक्टाहेड्रल में क्या नाम होते थे, जो 3 ऑर्बिटल्स के नाम होता थे T2G और इनका नाम होता था EG, ये हटा लीजिए पीछे से बस। सो दी आर T2 ऑर्बिटल्स, दीज आर E ऑर्बिटल्स, ये ध्यान रखना है ठीक है। और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है दैट इज डेल्टा T, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सुबह आप इलेक्ट्रॉन कैसे डालोगे पहले वर्बली एक बार, डी में एक इलेक्ट्रॉन डालना है तो यहाँ पर आएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी E1 T2 0। सो यहाँ पर हम साथ के साथ आपका डेल्टा टी भी कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है -0.6 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई, तो एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 0 है, सो इट इज़ -0.6 डेल्टा टी। बिल्कुल ध्यान से करना, कोई इसमें ऐसा कुछ खास इशू नहीं है ठीक है। चलिए तो ये एक स्टडी किया हमने, नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एक सिस्टम लेके चलते हैं हम, विल टेक अ सिस्टम ऑफ D4। D4 का अगर हम सिस्टम लेकर चलें, सो D4 में बेटा देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन डालोगे, 1, 2, 3 और 4, ये आपने इलेक्ट्रॉन डाले, क्लियर। तो अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, E2 और T2, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सो अब आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा टी क्या आएगी, -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 2, सो दिस विल बी -1.2 प्लस 0.8। ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 0.4 माइनस में आएगा डेल्टा टी। तो इस तरह से हम लोगों ने करना है ये काम। सिंपल दो चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो पेयरिंग नहीं करनी है, पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो ही आपको पेयरिंग करनी है, और पेयरिंग भी सभी केसेस में नहीं होती, किन किन में होती है आपको पता है, क्लियर। सो अब आप अपने आप क्या कीजिएगा, डू वन थिंग, पहले खुद आपको प्रैक्टिस करनी है इन बोथ द केसेस, D1 से D9 तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए एंड डू द प्रैक्टिस, ठीक है। सेम हेयर यू कैन ट्राई फ्रॉम D1 to D9 एंड मेक द प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए नाउ वी आर हैविंग सम यू कैन से एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल भी हैं हमारे पास, अब उनको चेक भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर एग्जांपल्स क्वेश्चंस में आए तो कैसे करेंगे हम उसको, सो जस्ट सी आउट, वी विल डू सम क्वेश्चंस और यू कैन से कॉन्सेप्चुअल्स बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, या यू भी कह सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर बेस्ड। अब इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपसे कैलकुलेट करा सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालो डेल्टा नॉट या डेल्टा टी, फिर दे कैन से प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक करेक्टर, ये प्रिडिक्ट करा सकते हैं मैग्नेटिक करेक्टर, तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से पता है N0 डायमैग्नेटिक, N बेटा 1 से लेकर 3 तक पैरामैग्नेटिक, N इज मोर देन 3 इट विल बी फेरोमैग्नेटिक, और मैग्नेटिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और बेटा अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है देन अगेन यू नो द फॉर्मूला √N N+2 बोहर मैग्नेटॉन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर एक चीज़ और प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स यू आर हैविंग द अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो जो कंपाउंड होगा वो आपका कलर्ड होगा, रीजन DD ट्रांजिशन दैट वी हैव डन इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आर 0 कंपाउंड इज कलरलेस ड्यू टू नो DD ट्रांजिशन। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो हमने पीछे से उठाई हैं, देखो
मैग्नेटिक करेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट तो आप पहले भी कर चुके हो, मैंने बताया था बीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, बट जब मैंने वीबीटी की तो वहाँ कैलकुलेट कराया था सो दैट आपको बार बार एग्जाम्पल्स ना करने पड़े, तो फॉर्मूले मैंने वहीं से उठाए हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। मेन तो ये है आपका डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये पार्ट आप पहले कर चुके हो, ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, ठीक है। चलिए सो नाउ कंसेप्चुअल स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन है, हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, प्रेडिक्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक करेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट एंड कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। आल्सो राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक तरह के मान के चलिए सारी ही चीज़ें आ गई हैं। तो हमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस में करनी है, लेट अस स्टार्ट विद K4FeCN6 से हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर जो आयरन की स्टेट है वो कैलकुलेट कीजिए, 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 2, यानी Fe की स्टेट में है प्लस 2 स्टेट में है। और एक चीज़ आपको पता है यहाँ पे, CN नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग लीगेंड, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे असेंशियल है। चलिए अब सो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, इफ आई राइट द कॉन्फिग्रेशन आर्गन देन आई विल गेट 3d6, 4s2, 4p0 एंड 4d0, क्लियर। अब आयरन किस स्टेट में है, प्लस 2, सो आई विल राइट Fe प्लस 2 में, ये दो इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, आर्गन 3d6, 4s0, 4p0, 4d0। अब 3d को ड्रॉ कीजिए, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मींस ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल वाली होगी कुछ इस तरह से, दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, कौन से, 3d, ठीक है। ये स्प्लिटिंग किसकी है, 3d ऑर्बिटल्स की, T2g Eg ऑर्बिटल, एनर्जी डिफरेंस डेल्टा नॉट। अब CN नेगेटिव कैसा लीगेंड है आपका, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो ये क्या करेगा, इट इंड्यूसेस पेयरिंग, ये पेयरिंग को इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, सो डी में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे डलेंगे, पेयरिंग इंड्यूस होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी आपकी, इसको यहाँ लिखिए T2g और Eg, तो कॉन्फ़िगरेशन T2g6 Eg0, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन T2g6 Eg0, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन T2g6 एंड Eg0, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आफ्टर दैट, अब इसमें क्या काम करना है आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा, वी हैव टू सी आउट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सो बेटा यहां पे देखिए सारे पेयर्ड हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, डाया मैग्नेटिक, ये क्या हो गया, डाया मैग्नेटिक, इस चीज को ध्यान रखना है अच्छी तरह से, ठीक है, डाया मैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n n+2, ये भी 0 बोहर मैग्नेटॉन आएगा। अब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, कलरलेस, बिकॉज ऑफ नो डी ट्रांजिशन, ठीक है। सो ये काफ़ी चीज़ें हो गई आपकी, n हो गया मैग्नेटिक करेक्टर, म्यू हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, हो गई हमारी CFSC बची हुई है, लेट्स कैलकुलेट। तो थोड़ा रब करते हैं क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। CFSC कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट सी आउट, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू -0.4 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g6 प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg0,
सो 0.6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे -2.4 डेल्टा नॉट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये ध्यान रखिएगा, दिस वी हैव कैलकुलेटेड डेल्टा नॉट। सो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बहुत ध्यान से काम करना है, ठीक है, किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सेकेंड कंपाउंड लेके चलते हैं हम। सेकेंड कंपाउंड इज Fe H2O6 टू पॉजिटिव। चलिए इसमें वर्कआउट करते हैं। सो सबसे पहली चीज, जो वाटर है वो आपका एक वीक लीगेंड है, आई विल से वीक फील्ड लीगेंड है। सो वीक फील्ड लीगेंड का मतलब देर इज नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो आपको पता है इसका रीजन क्या है, सिंपली व्हाट विल आई से, इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो रहे। सो कंडीशन इसमें और इसमें क्या रिलेशन हुई, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो रहे यानी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। चलिए अब यहाँ पर आयरन की स्टेट एक्स प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू प्लस 2, सो एक्स बेटा प्लस 2 स्टेट में है यहाँ पे। सो आयरन एटॉमिक नंबर 26 की कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी थी आर्गन, देन वी हैव रिटन 3d6 4s2 4p0 4d0। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये पूरे चैप्टर में आपको अकॉर्डिंग टू शेल नोट करनी है, ये ध्यान रखिएगा। सो अगर मैं कहूँ Fe+2 की लिखनी है तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, हो गया, ठीक है। अब 3d6 की आपकी स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, तो स्प्लिटिंग में क्या होगा, ये आपका 3d6 है, T 2g, ये Eg, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है डेल्टा नॉट। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 6, बट अब देर इज नो पेयरिंग, ये जो डेल्टा नॉट है ये लेस है, सो 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो कॉन्फ़िगरेशन जो बनी आपकी 3d6 की, T2g में 4 इलेक्ट्रॉन है और Eg में 2, व्हाट विल आई राइट, T2g4 Eg2, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एज फार एज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज कंसर्न, चलिए विल डू मोर कैलकुलेशंस नाउ। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। सो इट विल बी फेरो मैग्नेटिक। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट का अगर डिस्कशन करें, √n n+2, √4 4+2, दैट कम्स आउट टू बी √24, एंड इट इज 4.89 बोहर मैग्नेटॉन। नाउ सिंस अनपेड इलेक्ट्रॉन आर नॉट इक्वल टू जीरो, सो कंपाउंड इज कलर्ड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इन द लास्ट डेल्टा नॉट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो इट इज -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन T2g में 4 इलेक्ट्रॉन है 4, प्लस 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन इन Eg में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो -4 4 16, -1.6 प्लस 1.2, सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी -0.4 डेल्टा नॉट। सो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, कोई इशू नहीं है, काफ़ी चीज़ें आप पहले भी कर चुके हो, कुछ नई चीज़ें हैं उनको थोड़ा ध्यान से आपको करना है। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, थर्ड एंड द लास्ट केस, ये आपको अपने आप आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, यानी स्प्लिटिंग भी अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्प्लिटिंग अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये अपने माइंड में खुद फिक्स करना है। तो जो थर्ड पार्ट अभी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज NiCl4 2-, NiCl4 2-, Cl- एक वीक लिगेंड है, दूसरा इट इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो स्प्लिटिंग भी टेट्राहेड्रल वाली हो गई। तो पहले निकल की स्टेट x -4 = -2 -2 x = +2,
यानी निकल जो है वो प्लस टू स्टेट में है. गॉट इट? नाउ निकल एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d8 4s2 4p0 4d0. तो निकल प्लस टू स्टेट में क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन आपके निकल गए. अब इस 3d की स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है. तो 3d में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d में यू आर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो स्प्लिटिंग देखिए, यहां पर क्लियर, दिस इज द स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम इज डेल्टा टी हेयर, ठीक है. जो लोअर ऑर्बिटल्स हैं दीज आर सेट टू बी द ई ऑर्बिटल्स एंड दीज आर सेट टू बी टी टू ऑर्बिटल्स, ठीक है. सो 3d8 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, ठीक है. सो कैसे फिल करेंगे, ध्यान करना है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो कॉन्फिगरेशन क्या बनी, e4 एंड t2 4. बहुत ध्यान से करना बेटा, e4 एंड t2 4. अब यहां पर देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, वी आर हैविंग टू अनपेड इलेक्ट्रॉन दीज टू, सो आई विल से इट इज पैरा मैग्नेटिक. एंड इफ आई से मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है अंडर रूट एन एन प्लस टू, सो दिस विल बी अंडर रूट 2 2 प्लस 2 अंडर रूट 8 2.82 बोहर मैग्नेटॉन. नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा टी, बहुत ध्यान से निकालना है फॉर्मूला, वहां से देखिए -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई ऑर्बिटल्स 4 प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी टू ऑर्बिटल्स, सो वहां पर भी आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दिस इज -6.6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2.4 प्लस इट इज 1.6. सो व्हेन सॉल्विंग इट यू विल गेट -0.8 डेल्टा टी. सो बेटा ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये आपको ध्यान रखना है कि हमें किस फॉर्मूले को यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस को फेस करना है, ठीक है ना. कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, ठीक है ना. यू हैव टू नोट डाउन दिस क्रिस्टल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी बोलते हैं, देन ये हमें पर्टिकुलरली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी निकालनी है, ठीक है. सो ये अब आपके जो है टोटल CFT के कितने लेक्चर हुए. पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि थ्योरी ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, मेनली थ्योरेटिकल पार्ट हमने वहाँ पे किया. सेकंड लेक्चर में जो हमारा मेन फोकस था वो हमारा था कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, एंड आउट ऑफ द टू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस विच इज हैविंग द मोर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी एंड विच इज हैविंग द लेस. थर्ड लेक्चर में हमने स्टडी किया कि कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और प्रैक्टिकली जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर इंपैक्ट होता है, जैसे आपने ये लिखा. और फाइनली हमने इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेट इज यू कैन से द थर्ड पार्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल. साइमल्टेनियसली हमने स्टडी किया क्या, दो चीज़ें और, कलर के बारे में भी बताया और मैग्नेटिक करेक्टर के बारे में भी. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, दैट्स ऑल.